अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज मैं आपको एक ही क्लिक से फ्री हम FRP सैमसंग का कैसे हटाएंगे, ठीक है? आपने कोई डाउनलोड मोड पे नहीं लाना, कोई क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? ये देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ। क्वालकॉम फ़ोन है, MT के, तो आराम से हम कर सकते थे ना अनलॉक टूल से, बाकियों से। ये क्वालकॉम है, ये कौन सा होगा, ये M11 है, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देख लेना। यहाँ पे देखो, MTK के लिए मैंने पहले आपको अनलॉक टूल के बारे में बताया था। आप खाली M11 नहीं कर सकते, सारे कर सकते हो, मतलब सारे के बहुत सारे मॉडल ऐसे कर सकते हो आप एक ही क्लिक से, ठीक है? तो यहाँ पे उसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक? यहाँ पे टाइम लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को देख लेना अच्छे से, आप कहीं पे नहीं फंसोगे फिर, ठीक है? सैमसंग FRP बिल्कुल फ्री कर सकते हो, अनलॉक टूल से भी कर सकते हो आप, UMT से भी कर सकते हो, ठीक है? तो बस आपको एक होता है ना, किसी को आता नहीं है। अब कोई ऐसा होता जिसको पता हो करना सब कुछ आता है, बस पता नहीं होता, ये उनके लिए वीडियोस होती है, ठीक है? ये देख लीजिए, यहाँ पे आप FRP अच्छे से चेक कर सकते हैं, इसमें लगी भी है या नहीं लगी है, ठीक है? ये देखिए, ठीक है। चलो अब हमने क्या करना है, जो MTK फ़ोन है उनमें क्या होता है, उनमें बैक पैनल खोलना नहीं होता। अब ये जो क्वालकॉम फ़ोन है इनको बैक पैनल खोलना ही पड़ता है ETL पॉइंट कनेक्ट करने, ठीक है? ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसका बैक पैनल ओपन करता हूँ। इसका जो फिंगर लॉक है इसको ध्यान रखना होता है, जब भी हम बैक पैनल खोलते हैं तो हमने अच्छे से देखना होता है। अगर नहीं पता होता कैसे खुलता तो पहले वीडियोस देखा करो, गूगल पे सारे वीडियोस पड़ी होती है, ठीक है? ये देख लें, अगर हम फिंगर लॉक इसके साथ निकालते ना तो पक्का वो कट हो जाता, क्योंकि वो उसके नीचे था, ठीक है? उसके बाद हम स्क्रू खोल के इसको क्या करते हैं, FRP बाईपास कर लेंगे। चलो आज तो मैं अनलॉक टूल नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको किससे बताऊंगा, UMT से बताऊंगा, एक ही क्लिक से कितने सारे मॉडल हम कर सकते हैं। सारे मॉडल आपके सामने शो करवा दूंगा मैं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक? तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, शायद क्या पता 8-9 मिनट की बन जाए, पर मैं नहीं चाहता हूँ कट शट कुछ हो वीडियोज़ में, ठीक है? आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंसान एक बार वीडियो देखता ना तो ज़रूरी नहीं होता हर वीडियो फिर देखे, ठीक है? ऐसे भी हो जाता है ये, पर वो फिर पता ही आपको लंबा है। हमने बैटरी रिमूव करनी है, ये देखो रिमूव की ना मैंने। उसके बाद जो जो M11 है इसके ETL पॉइंट में दिखा रहा हूँ, सारे फ़ोनों के नहीं, इसके, ये जो ऊपर वाले दो है, ठीक है? गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अब ये दो ऊपर वाले चार पॉइंट है ना, ऊपर वाले दो, ठीक है? तो हर फ़ोन के अलग अलग होते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हो आप, ठीक है? अब मैं आपको PC पे ले चलता हूँ, हम कौन सा कहाँ से करके दूँ, हाँ UMT से, ठीक है? UMT का क्वालकॉम जो क्रूसीफायर है वो वाला टूल हम ओपन करते हैं, ठीक है? डिवाइस मैनेजर भी मैं ओपन करके रखूँगा, क्योंकि जब फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, देखो हमने क्या करना होता है, कोई ऐसा दोस्त होता है ना जो ये काम नहीं करता है, उनको मैं ये बता रहा हूँ, आपको फिर USB ड्राइवर होना चाहिए इंस्टॉल, ठीक है? चाहे MTK का फ़ोन हो या क्वालकॉम का, USB ड्राइवर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है? जब आप कनेक्ट कर लेंगे ना, 9008 करके पोर्ट आना चाहिए। यहाँ पे हमने टूल पे जाना है, हमने सैमसंग सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट किया सैमसंग, ठीक है? उसके बाद हमने मॉडल नंबर जाना है कौन सा है, M11, ये वाला मॉडल। यहाँ पे कितने सारे मॉडल है अभी बता दूंगा थोड़ी देर तक, ठीक है? अब हमने फ़ोन को पहले कनेक्ट करना, MTK होता तो फ़ोन बाद में करना पड़ता है, क्वालकॉम हमें पहले कनेक्ट करना पड़ता है। ये जो दो पॉइंट है ETL के पॉइंट दो मैंने दिखाए ना आपको, ये हमने शॉर्ट करनी है, उसके बाद हमने USB इन करनी है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद फिर काम करेंगे। बस हो गया कनेक्ट, ठीक है? ये देखो डिवाइस मैनेजमेंट 9008 करके पोर्ट आ गया ना, ठीक है? कनेक्ट हो गया। अब हमने एक ही क्लिक से इसको FRP बाईपास यहाँ पे ओके कर लो, बस इतना सा काम था। अब मैं आपको बता दूंगा, खाली एक फ़ोन आप क्यूसीफायर टूल में नहीं कर सकते हो। देखो अगर सेम मॉडल ऐसा है ना, जैसे M11 है,
तो उसकी रैम रोम सेम है, कॉलकॉम का फ़ोन है, और कोई जे सीरीज़ का, ए सीरीज़ का बिल्कुल कर सकते हो इस मॉडल से। एंड्रॉयड वर्जन इसका 11 है, आपको मैंने चेक करवाया वो पहले ही, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो मॉडल जो है वही है, जैसे J7 प्राइम है और J6 है, सेम उनका रैम रोम हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कितने सारे मॉडल हैं, ये इसलिए नहीं खाली इतना ही कर सकते हो, सारे कर लोगे आप। ये हो गया, अब मैं आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ अच्छे से, ठीक है, ये FRP बाईपास हुआ या नहीं हुआ। तो अनलॉक टूल ज़्यादा काम किस पे करता है, MTK पे, MTK CPU जिस पे भी है ना वो फर्स्ट क्लास काम करेगा, MDM लॉग भी निकाल लेता है अनलॉक टूल, ठीक है, एक ही क्लिक से। तो यहाँ पे देखो कितने सारे मॉडल्स हैं, सारे कर सकते हो आप आराम से। अगर नहीं भी है फिर भी आप रैम रोम चेक करके उसके बाद FRP बाईपास आप कर सकते हो। एंड्रॉयड वर्जन भी चेक करवा लूंगा मैं आपको, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इसके अंदर है, 11 है, ठीक है। सिक्योरिटी पैच लेवल अभी का है, ठीक है, सॉरी अभी तो अगस्त चल रहा है, जुलाई का, तो इस वाले फ़ोन में शायद अपडेट नहीं आया होगा। बाकी S सीरीज़, S10 Plus आया था शायद कल, उसमें अपडेट आया था अगस्त का, ठीक है। तो बस ये हो गया, ये देख लीजिए लास्ट में देख सकते हो आप FRP डन, ठीक है। फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अपने भाई है ना वो फिर उनको पता ही है कमेंट करने की आदत है कीड़ा होता ना वो नहीं छोड़ते, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, बाकी फिर देख लो, अगर फ़ोन को खोलना नहीं चाहते तो फिर बहुत सारी वीडियोस 11 पे भी पड़ी हुई है, 10 तो है ही आसान है, कल मैंने दिखाया था आपको 10 पे, 11 थोड़ा बहुत टफ है, काफ़ी टाइम लगता है, 10-20 मिनट लग जाते हैं अगर हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर जल्दी जल्दी करना है तो फिर ये आसान है। मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो, ठीक है, नहीं तो ये 4 मिनट में 3 मिनट में काम ख़त्म हो जाना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।